साहस सरोकार। राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, कहा कांग्रेस ने हमेशा आस्था का किया विरोध। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित, बोले प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया। मिर्जापुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा जिले को स्वास्थ्य में नंबर वन बनाएंगे। चंदौली में मिनी स्टेडियम की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन, खिलाड़ियों ने जमकर किया प्रदर्शन। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री श्रम सेवा योजन अनिल राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बजट पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि बजट में राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, जबकि 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष के पास कोई आधार नहीं है कि बजट और विकास कार्यों पर चर्चा कर सके। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि भारत 3 महाशक्तियों में शामिल है, बजट की देश ही नहीं बल्कि विदेश में चर्चा की जा रही है। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि देश पर राज करने की जागीर मिली है। सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, आधी आबादी के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। इस बात को भी, उनकी कही गई इस बात को भी ये बजट बहुत ही बल दे रहा है। ये अमृतकाल का पहला बजट है, आने वाले 25 वर्ष का पूरे रोड मैप की झलक भी ये। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का भोगनीपुर एसडीएम को फटकार लगाने का मामला सामने आया है। विधानसभा क्षेत्र में जनता दरबार के दौरान एसडीएम और तहसील प्रशासन पर कार्य में लापरवाही बरतने पर जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, अधिकारियों ने अपनी कार्यशैली नहीं सुधारी तो भविष्य में सख्त कार्यवाही की जाएगी। हाल ही में सांसद देवेश सिंह ने मैथा एसडीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और जमकर फटकार लगाई थी। भारतीय सेना में भर्ती कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने अभियुक्तों को आशियाना स्थित शीशा फैक्ट्री मोड़ से हिरासत में लिया है और एक आरोपी की पहचान योगेंद्र सिंह पवनपुरी गली नंबर 3 आशियाना के रूप में की गई है। आरोपी के पास एसटीएफ की टीम ने अहम दस्तावेज और 3,70,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस भारतीय सेना में नियुक्त और अन्य सिपाही पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। मुकदमों का सुलह समझौता के आधार पर सफल और समय से निस्तारण हेतु आगामी 11 फरवरी को बृहद राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश संजय शंकर पांडे ने लोक अदालत की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पिछली बार उत्तर प्रदेश में अच्छा कार्य किया गया था। उन्होंने कहा कि इस बार भी प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश मुकदमों के निस्तारण में अव्वल आए। जनपद न्यायाधीश ने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग अदालत आकर अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। ये देखिए, जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 तारीख को हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर यह प्रयास है, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर रहे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जन सामान्य को, वादकारियों को हर क्षेत्र में मिले, जिसके लिए वो न्यायालयों में लंबे लंबी तारीखों का इंतजार करते रहते हैं।
खबर संभल से है, जहां मुख्यालय बहजोई स्थित कलेक्ट्रेट ने टिकट आरएलडी ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बता दें, गन्ना मूल्य व आवारा पशु से छुटकारा पाने के लिए कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्ट्रेट को सौंपा है और कलेक्ट्रेट के पास जमकर प्रदर्शन किया। देखिए, गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर किसान बहुत परेशान है। लगभग 14 महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि समय से गन्ना मूल्य घोषित करेंगे और गन्ना मूल्य वो ऐसा होगा जो हितकारी होगा गांव के तमाम किसानों के लिए। तो वो हितकारी तो अभी छोड़िए, अभी तो बहुत सारा पिछले साल का भुगतान हुआ नहीं है, इस साल में मूल्य घोषित किया नहीं है, आवारा पशुओं से एक तरफ फसल रखा रहा है किसान। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में मंगलवार सुबह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नगला खंगर थाना क्षेत्र अंतर्गत माइलस्टोन 65 के समीप मैनपुरी में तैनात एडीजे पूनम त्यागी की कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें चालक और एडीजे गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मामले की जानकारी होते हुए थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और एडीजे और उनके चालक को सैफई पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। श्री पूनम त्यागी, जो जनपद मैनपुरी में अपर जिला जज पाक्सो के पद पर तैनात थी, आज गाजियाबाद से जनपद मैनपुरी आते समय सुबह करीब 9 बजे 65 किलोमीटर पर जनपद फिरोजाबाद के नगला खंगर थाने के पास उनकी गाड़ी एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनको चोट लगी थी, जिनको सफेद मेडिकल कॉलेज भेजा गया था जहां उनकी मृत्यु हो गई है। उनके साथ ड्राइवर भी था जिसका इलाज चल रहा है, उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और विधिक कार्रवाई इस पर की जा रही है। खबर चंदौली से है, जहां संसाधनों के अभाव से प्रतिभाएं भी दम तोड़ती नजर आ रही हैं। बता दें कि विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं से जुड़े खिलाड़ियों को मिनी स्टेडियम की मांग को लेकर दंडवत पदयात्रा निकाली। वहीं इस दौरान चंदौली स्पोर्ट्स एसोसिएशन के महासचिव कुमार नंद जी ने दंडवत पदयात्रा निकालकर करीब 4 किलोमीटर तक चलकर विधानसभा के भाजपा विधायक रमेश जायसवाल के आवास पहुंचकर अपनी मांग रखी और विधायक को पत्र सौंपकर मिनी स्टेडियम के निर्माण की मांग रखी। मैं, मेरे कल्पना में नहीं था कि इन लोगों ने इस तरीके से इस मांग पत्र को देने की योजना बनाई है। नहीं तो अगर मुझे मालूम पड़ता कि ये ऐसी शुरुआत करने वाले हैं तो मैं अपने छोटे भाइयों को, अपने परिवार के सदस्यों को कदाचित इतना कष्ट उठाने नहीं देता। मैं स्वयं ही वहाँ पहुँचता और उनका पत्रक लेता और तो पत्रक लेकर उनकी बात जहाँ यथोचित स्थान पर पहुँचाना है उसको रिमाइंडर करता, उसकी मांग करता और हर हाल में प्रयास करता कि उनकी मांग जायज है और उनको वो स्थल मिले जिसकी वास्तव में खेल प्रेमियों को, खेल से जुड़े युवाओं को उसकी ज़रूरत है। मैं इन सभी बच्चों को भी देख रहा हूँ कि लगातार इनके अंदर वो प्रतिभा जो निरंतर तेज़ी से बढ़ रहा है, उसका उन्नयन हो रहा है, उसको और ज़्यादा स्थापित करने की आवश्यकता है। और मैं एक विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, इनके परिवार का अभिभावक होने के नाते, इनका भाई होने के नाते मैं इस बात को पूरी पुरजोर तरीके से उठाऊँगा। अभी उसी कड़ी में मैंने यहाँ के बहुत ही कर्मठी जिला आ रहे हैं, किस मांग को लेकर आ रहे हैं और क्या अब तक आश्वासन आपको मिला है? 5 किलोमीटर का दूरी तय थी, 7:40 पर वहाँ दंडवत करते हुए चले। देखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ कि कुछ विरोध से लेकर जुड़ा है, इसमें कोई विरोध नहीं है। मैं फिर से पुनः दोहराता हूँ उसी बात को, ये प्रक्रिया थी, क्योंकि लगन शौक खेल की, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं प्रभु श्री राम ने भी तपस्या खुद किया था और महादेव की भी लोग तपस्या किए थे, सेम उसी प्रक्रिया के तपस्या करते हुए आए हैं। क्योंकि मान्य लोग प्रिय विधायक जी को हमने रोड पर भी लोग पूछे तो हम यही जवाब दिए कि उनके कार्यकाल में ही ये दिन है जो हम लोग डिवाइडर और लाइन किस बात को लेकर आप यहाँ हैं? तो उसी के चलते हमको उम्मीद है कि एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो और इनके द्वारा एक सौगात मिले, क्योंकि विगत हम लोग 3-4 वर्षों से लगातार हम लोग विज्ञप्ति दे रहे थे। इसके पहले हम अनशन पर बैठने जा रहे थे तो एक शब्द बोला। खबर फरीदाबाद से है, जहां दूर दराज से पर्यटक सूरजकुंड में लगे 36वें अंतर्राष्ट्रीय मेले में घूमने के लिए आते हैं। बता दें कि यहां पर अलग अलग राज्यों और देश विदेशों की न केवल हस्तशिल्प कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, बल्कि देश विदेश से आए कलाकार अपने अपने देश के म्यूजियम सिस्टम उसे नाच गाकर अपनी म्यूजिक कला का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन मेले में आए पर्यटक इस बार देश विदेश और अंग्रेजी म्यूजिक के साथ साथ सबसे ज्यादा बंचारी के नगाड़ों की थाप को पसंद कर रहे हैं। राजस्थानी, राजस्थानी कैसा लगा यहाँ करके?
बहुत बढ़िया, वंडरफुल। क्या अच्छा है मेले में? मेले में एवरीथिंग, सब कुछ। आगरा के सिकंदरा की आवास विकास कॉलोनी में 28 बांग्लादेशी घुसपैठिए ने पूरी बस्ती बसा रखी थी। बता दें इन लोगों ने खाली मैदान में 80 से अधिक झुग्गी झोपड़ियां बना रखी थी। बताया जा रहा है कि ये लोग यहां कूड़ा बीनने और बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण का काम करते थे। G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के आगमन से पहले खुफिया एजेंसियों की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा था। एडिशनल कमिश्नर केशव चौधरी ने बताया कि इसमें एक हलीम नाम का व्यक्ति था जो कि इनकी बांग्लादेशी से भारत नदी के रास्ते से लाता था। बांग्लादेशी नागरिक जो आगरा में अवैध रूप से निवास कर रहे थे, जिनके पास निवास करने हेतु डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 35 फर्जी आधार कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किया गया है। ये लोग यहाँ अपना फर्जी दस्तावेज बनाकर आगरा के आवास विकास सेक्टर 14 के ग्राउंड में झुग्गी झोपड़ी में निवास कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है और पूरे अभी तक और वो यहाँ के नहीं लगते। इस सूचना पर थाना आज के उपरांत ये पता चला कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं और जानकारी की गई तो पता चला कि ये बांग्लादेश के और यहाँ पर पूर्व यहाँ पर सब लोग आए हैं। इसमें लगभग 32 लोग बांदा में दिव्यांग और उसके परिवार को प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित दिव्यांग ने आरोप लगाया है कि नरैनी के तथा कथित विधायक अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आए दिन गाली गलौज करते हैं। विधायक की हरकत से परेशान पीड़ित दिव्यांग ने परिवार के साथ अशोक लाट स्तंभ के नीचे अनिश्चितकालीन थाने पर बैठ कर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। जिस तरह भाजपा विधायक नरैनी ओम मणि वर्मा जी के गुर्गों ने जिस तरह ये पीड़ित परिवार बुद्धिविलास तिवारी, प्रेमिला तिवारी जी, उमेश तिवारी जी को फर्जी मुकदमा लगवाया है, इनका जो है ये एक मतलब होनहार छात्र हैं, इनका भविष्य एकदम ख़त्म कर दिया है और ये हार्ट के पेशेंट है, उनका पूरा शरीर एकदम दिव्यांग है, इनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया। तो हम लोगों ने 3 तारीख को एडिशनल SP से मुलाकात किया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, आप लोग घर जाइए, सब लोग चले आए। और अभी ओम प्रकाश पांडे 4 लोगों को आया, गाली गलौज किया और मारपीट कर लिया, जिसमें मुकदमा मेरे लड़के के खिलाफ मुकदमा लिखा है मेरे खिलाफ। और जब मेरी घर वाली उसको मना किया तो उसके साथ भी मार दिया, जिसमें सुनील वर्मा, पवन वर्मा और ओम प्रकाश पांडे। खबर बुलंदशहर से है जहां पुलिस ने बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट से लूट का बड़ा खुलासा किया है। बता दें पुलिस ने 5 लुटेरे को कब्जे से 2 बाइक, तमंचे और 39,000 रुपए बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। मुकदमा लिखा गया था, उसके द्वारा 70,000 की लूट अपने साथ होना दिखाया गया था, एक मोटरसाइकिल से 3 व्यक्तियों द्वारा। इसमें फिर थाने के साथ साथ SOG टीम को लगाया गया था। SOG टीम ने मिल करके इसमें जब उनके टेक्निकल चीज़ों से मुआयना किया और चीज़ों को जो हुलिया उनकी थी और चीज़ें थी उस पर उसका मिलान किया, तो उससे पता चला कि एक ही जहां पर पैसा वसूल के चला था उसका एक व्यक्ति था जिसका नाम शोभित था। वो इससे जो एजेंट था इससे संपर्क में पहले से था, जो भी आना जाना उसके गाँव में था उस एजेंट का, उसने उससे पूछा कि तुम कहां पर हो और उस आधार पर उसने बताया कि यूपी के बुलंदशहर कस्बा गुलावठी बंधन बैंक के कलेक्शन एजेंट से लूट का खुलासा। 5 लुटेरे गिरफ्तार, लुटेरों के कब्जे से 2 बाइक, तमंचे, लूटी गई रकम 39,000 रुपये बरामद। गिरफ्तार लुटेरे रोहित, शोभित और डब्बू का बताया जा रहा है लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास। बुलंदशहर प्राइम TV न्यूज से संवाददाता इकराम खान।
सारण शहर सियाना कोतवाली स्थित बीट गांव में खेत में पानी लगाकर वापस जा रहे किसान को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके से फरार आरोपी बाइक चालक की गिरफ्तारी के सख्त निर्देश जारी किए हैं। पानी चल रहा था तो घर वापस जा रहे थे, तो रास्ते में किसी ने बाइक वाले ने टक्कर मार दिया, तो मौके पर अपनी बाइक छोड़ गया, वो चला गया, बाकी उनको अस्पताल ले गए। तो यहाँ पे बता दिया। कौन लगते हैं आपके? मेरे फादर है। क्या नाम है इनका? इनका भूषण त्यागी नाम है। कि आपको सूचना किसने दी थी? भाई वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे मौके पे जो लोग थे उन्होंने फोन करके मेरे को बताया, इनके नंबर से फोन किया। तहरीर दे दी आपने? खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 455 युवक व युवतियों का विवाह संपन्न कराया गया। शहर के नवीन स्टेडियम में आयोजित विवाह समारोह कार्यक्रम में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल उपस्थित थे। रीति रिवाज के साथ युवक युवतियों का विवाह संपन्न कराया गया है। साथ ही विवाहितों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभ प्रदान किए गए हैं। हर बेटे को आगे जाने के लिए पढ़ाने से लेकर के उनकी विवाह तक का संकल्प लिया गया है। उसी तारतम्य में इन बच्चियों के शादी में सरकार की तरफ से 51,000 रुपये खर्च होते हैं, जिनके अकाउंट में जाता है 35,000 रुपये, बाकी सामान बांटे जाते हैं। लेकिन यहाँ के सारे अधिकारियों ने मिलकर के कुछ लोगों सामाजिक लोगों से भी सहायता कराया है। आज आप देख रहे हैं 455 जोड़े की शादी गाजीपुर में की गई है। खबर बुलंदशहर से है, जहां रोडवेज के किराए में बढ़ोतरी पर राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बयान दिया और कहा कि रोडवेज में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, सुविधाएं बढ़ा रहे हैं और ये देखिए कि किराया कितने सालों बाद बढ़ा दिया। डीजल की कीमत पहले क्या थी और अब क्या है? एम्प्लॉयज की सैलरी क्या थी, अब क्या हो गई? मजबूरन किराया बढ़ाना पड़ा, लेकिन हम इसी के साथ रोडवेज बस स्टेशनों की सुविधाएं भी बढ़ा रहे हैं और सफर को सुरक्षित बना रहे हैं। जो किराए के रूप में आम आदमी से पैसा लिया जा रहा है, वही उन्हीं की भलाई के लिए लिया जा रहा है ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित हो पाए। हमारे रोडवेज की बसों का क्वालिटी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, उनमें सहूलियत बढ़ा रहे हैं और हमारे ये देखिए कितने साल बाद बढ़ा है। इस बीच में हमारे डीजल की क्या कीमत पहले थी, आज क्या हो गई? हमारे एम्प्लॉयज की क्या सैलरी तब थी और आज क्या है? इसलिए बढ़ाना पड़ा है, मजबूरन बढ़ाना पड़ा है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम उनकी सहूलियतें और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, लोगों को ज़्यादा सुरक्षित बना रहे हैं। हमारे जितने रोडवेज के बस स्टेशंस हैं उनको और बेहतर कर रहे हैं। तो ये जो रुपया लिया जा रहा है जनता की बेहतरी के लिए, जनता की भलाई के लिए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में थाना उत्तर के टापाकला में अंशुल हत्याकांड के आरोपियों के परिजन, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चों सहित 15 से 16 लोग थे, वे पानी की टंकी पर चढ़ गए। ये लोग पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने सभी को समझाकर टंकी से नीचे उतारा। इस पर SPCT का कहना है, पुलिस पर दबाव बनाने के लिए ये सभी लोग पानी की टंकी पर चढ़े थे। बता दें कि थाना उत्तर क्षेत्र के टापाकला में पानी की टंकी के पास 19 जनवरी को अंशुल नाम के एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। थाना उत्तर क्षेत्र में टापाकला में एक पानी की टंकी है, उस पर कुछ लोग जो है आज ये पानी टंकी चढ़ गए थे। प्रकरण ये है कि 19 जनवरी को एक मर्डर हुआ था जिसमें एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें इनके कुछ लोग उसमें नामजद अभियुक्त हैं। उन्हें नामजद अभियुक्तों पर पुलिस कहते हैं उनकी तलाश कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, उसी पर प्रेशर बनाने के लिए, ये अनुचित दबाव बनाने के लिए आज ये इस पर चढ़ गए थे। हम लोग ऊपर टंकी पर गए थे और इनसे बातचीत की, इन्हें आश्वस्त किया कि किसी निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दोषियों को फंसाया जा रहा है, मेरे पति को 5 दिन से अंदर रखा है, बोल रहे थे क्या कहते हैं कि पूछताछ के लिए लेके। फिरोजाबाद के आशावाद चौराहे पर महिला ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी है। महिला और युवक में पैसे के लेन देन का विवाद है। युवक ने महिला से पैसे मांगे तो महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए चौराहे पर उसकी पिटाई कर दी है। युवक ने महिला पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पति का कुछ पैसे उधार थे। अरे
मामला कुछ नहीं है, ये गया पहले घर पे उल्टी सीधी गई इसने, यहाँ पे आ गया फाटक पे, मैं फाटक पे मैं वो करवा रही हूँ। घर पे नहीं तो तुम घर पे ये बुला के लाते फाटक पे। नहीं नहीं, मेरा आदमी भी नहीं है घर पे, आदमी भी नहीं है घर पे। अरे खाली भी मकान वाला था एक गुंडा। अरे ये जो कह रहे हैं आपने पैसे लिए उन्होंने? नहीं मैंने नहीं लिए एक रुपए भी। फिर क्या बात है उनसे? ये गया घर पे के आपको वो चाहिए, तो मैं बोली नहीं, मैं बोली मारूंगी, मेरा आदमी भी घर पे नहीं है, पी के गया है दारू ये। जब यहाँ पे आके, जब यहाँ पे मैं बोली चल तू फाटक पे चल, फिर फाटक पे उल्टी सीधी क्या क्या आया, फिर क्या रहती हो, क्या मामला हुआ इनके संग में? इसके घर मांगने गया, परेशान थी ये, तुमने पैसे क्यों दिए थे? इसके आदमी काम परेशान था, बीमार था, काम करने पानी के लिए आया था मेरे पास, कि मेरे ऐसे ऐसे बात है, मैं 3,000 रुपए से दिए, मैंने मांगे, आज मांगने गया तो मुझसे बोली दिया सौ पे दूंगी, चौराहे पे इतने यह नाटक कर दिया भाई साहब। खबर गाजीपुर से है, जहां दिव्यांगों को ई ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने 100 दिव्यांगों को ई ट्राई साइकिल प्रदान की है। बता दें कि दिव्यांग एवं जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से ट्राई साइकिलों का वितरण किया गया है। शहर के नवीन स्टेडियम में एक कार्यक्रम के तहत दिव्यांगों को ई ट्राई साइकिल बांटी गई। पहली बार जो है दिव्यांगों को हेलमेट के साथ उनकी सुरक्षा की गई है। हेलमेट के साथ साथ उनको एक बैटरी दिया गया है। दिक्कत क्या होती है कि बैटरी चार्ज करने के लिए वो बैटरी चार्ज करा के साथ में निकलेंगे और अपना पूरा समय इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजियाबाद के थाना लिंक रोड पुलिस ने 30 लाख की रंगदारी मांगने वाले किशोर कुमार नायक को पकड़ा है। गाजियाबाद में एक हफ्ते पहले व्यापारी से 30 लाख की रंगदारी मांगने वाले को पुलिस ने मंगलवार को पकड़ लिया है। कड़कड़ मॉडल निवासी राजेश राघव ने 1 फरवरी को इस संबंध में थाना लिंक रोड में एक FIR दर्ज कराई थी। राजेश राघव के मुताबिक 30 जनवरी के रात में एक अननोन नंबर से उन्होंने कॉल उठाई थी और 12 वर्षीय बच्चे को किडनैप कर फिरौती मांगी और 4 दिन में 30 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा। वादी जो हमारे मुकदमे 1 तारीख को जो मुकदमा लिखा गया था लिंग रोड पे, उसमें वादी ने बताया था कि 31 तारीख की रात को उनको रात में करीबन 10:30 बजे एक कॉल आया था, जिसमें उनके बच्चे की सलामती की हवाला देते हुए कहा था कि 30 लाख रुपए तैयार रखो वरना तुम्हारे बच्चे को मैं हार्म कर दूंगा। उसके बाद से हमने इस पर मुकदमा लिखा था और टीम्स लगाई गई थी इसके लिए। जिस नंबर से कॉल आया था उसको भी ट्रेस किया गया, काफ़ी सारे CCTV फुटेजेस भी खंगाले गए। आज फाइनली 7 तारीख को एक अपराधी को, इस किशोर कुमार नायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद जिले से मोबाइल फोन लूटने वाले गिरोह की जानकारी सामने आई है। जिले के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में राहगीरों से मोबाइल फोन व पर्स लूटने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से पुलिस ने लूट और चोरी के 15 मोबाइल फोन, 6 ATM कार्ड, 3 फर्जी आधार कार्ड, 1 तमंचा, 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस, फर्जी नंबर प्लेट लगी स्कूटी व 1 कार के साथ 4100 रुपए नकद के साथ बरामद किया है। खबर हरदोई से है, जहां SP राजेश त्रिवेदी ने कोतवाली देहात का वार्षिक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने परिसर का निरीक्षण किया है और साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। SP ने सलामी के बाद एक बिंदु पर समीक्षा की, थाने पर रखे सभी असलहों को चेक किया और अपराधियों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि थाने पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण प्रमुखता से किया जाए। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े जमकर गोलियां चलाई हैं। बता दें कि गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनंद फानन में घायल को इलाज के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। बता दें ये सारा मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के घासीपुर गाँव के पास का है। जिनके पैर और पीठ में गोली लगी है, सर पे घाव के 3 निशान, वो ठीक है, स्टेबल है। घायल की क्या स्थिति है? घायल ठीक है, यही क्या है कि खतरे से बाहर नहीं, अभी उसका हमने रेफर लेटर बना दिया है ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए। सर, उसे लखनऊ रेफर किया जा रहा है? जी, रेफर किया जा रहा है। हाँ, जो घायल है उसको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया। सर, क्या गोली लगी है? सर,
उस दो जगह गोली के निशान हैं, एक थाई में, लेफ्ट थाई में है और एक बैक में। फरीदपुर गांव के पास ट्रैक्टर ट्राली और डीसीएम की आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से सभी घायलों को साई अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक और घायल पिता पुत्र हैं, बेटे के हादसे में मौत, जबकि पिता का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। क्या हुआ था? कहाँ से लेकर आए ट्रैक्टर? अच्छा, कहाँ की घटना है ये? घटना हरिपुर की। कितने टक्कर मारी? दूसरे वाले ने पीछे से मारी टक्कर। साथ में और कौन था उनके? हमारे वालिद थे। क्या नाम है उनका? इशाक था। अच्छा, वो घायल है? घायल है। कहाँ भर्ती है वो? अस्पताल में है, नाम तो पता नहीं। हालत कैसी है वालिद साहब की आपके? अभी तो हो गया दिमाग। तो भाई की आपकी मौके पर ही डेथ हो गई थी? हम तो बात ही पता चला था। कहाँ तक, कहाँ आ रहे थे वो? मुरादाबाद आ रहे थे, मंडी। आलू लेके? हरदोई के शाहबाद बेहटा गोकुल इलाके में टाइगर के दिखने से हड़कंप मच गया है। वहीं ग्रामीण लाठी डंडे से लैस होकर उसकी तलाश में जुट गए हैं। वहीं इस बात की ग्रामीणों ने वन विभाग के एसआई आलोक शर्मा को जानकारी दी। फिलहाल मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने खेतों में टाइगर के पंजे देखे हैं। ओ भैया, आ गया आफाक प्रधान जो है, पूर्व प्रधान, वो सुबह 5 बजे ड्यूटी पे जाते हैं। किस लोनी मिल? किस गांव का मामला है? मुसेपुर करमाया। अच्छा, फिर? और उनने जो है पुलिया पे जो है मोटरसाइकिल रोड पे चढ़ाई थे, अलमुन वाले खेत में दुई चीते शेर मतलब बैठे थे, एक उठ के खड़ो हुए गो, फिर उनने अपनी रेस बढ़ाए थे, उनने खूब पहचान लियो, उनने अपनी रेस बढ़ाई दी, बूझा चले गए। फिर जाके शाहबाद से उनने फोन करो, फिर गाँव में ऐलान करो मैक से, फिर हम लोग पूरा गाँव यहाँ आए, उनके पंजन के मतलब जो है निशान जो है भी मिल रहे हैं, और भाई देख रहे हैं हम लोग, पूरा गांव परेशान है, यह सब मामला बनाए रहे। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।